हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ चने की दाल के डुबके। मैंने बनाए हैं चने की दाल के डुबके। देखिए, इसके लिए मैंने लिए हैं काले चने। इसको मैंने रात में भिगाया है और ये फूल भी गए हैं। अब इसको मैं मिक्सी जार में ग्राइंड करूँगी और फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका मैं। ये खाने में बहुत यमी लगते हैं। अगर आप दाल खा खा के बोर हो गए तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी आज ट्राई किया है, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। पहाड़ी लोग बनाते हैं, पहाड़ी भोजन बोलते हैं इसको। हमारे उत्तराखंड में ये बनाया जाता है। ये देखिए, इसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसको एक बाउल में रख रही हूँ। और इसके लिए ली है मैंने लोहे की कढ़ाई। इसको बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रखा है। अगर आप भी कोई भी पहाड़ी रेसिपी अगर बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। पहाड़ी भोजन लोहे की कढ़ाई में बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए मैंने जीरा डाला, थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च डाली इसके छौंका लगाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने लहसुन का यूज किया है। थोड़ा लहसुन डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। पहाड़ की फेमस डिश है ये चने के डुबके। बट के डुबके तो आपने सुना होगा, चने के डुबके भी बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपने नहीं बनाए होंगे तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ चना। इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं। चने की दाल के आप डुबके बनाएंगे तो इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको हम गोल करके घुमाएंगे अच्छे से। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे हम चने को, ये अच्छे से भुन जाए तभी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको घोटने घोटने तक हम फ्राई करेंगे हिलाते हुए। ये देखिए, इसको ऐसे घुमाना है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े मसाले। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है इसमें, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। इसको हमने काफ़ी अच्छे से भूनना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत यमी लगता है खाने में। पहाड़ी भोजन का तो अपना अलग ही मज़ा है। जैसे सादगी का जीवन होता है, उनका भोजन भी ऐसे ही होता है। ये आग में पकाया जाता है तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी धीरे धीरे। ये फ्राई हो चुका है। इसमें हम गर्म पानी का यूज करेंगे जब हमें पानी डालना होगा तो। ये देखिए, मैंने उसी बर्तन में, जिस बर्तन में ये पीस के रखा था उसी बर्तन में से मैंने गर्म पानी डाला है। अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। इसको धीरे धीरे हिलाएंगे, तो धीरे धीरे हिला के इसके लम्स चले जाते हैं। धीरे धीरे घुमाते घुमाते इसके लम्स खुद ही चले जाते हैं। घुमाते रहना है इसको। यहाँ पर मेरी एक थोड़ी कढ़ाई छोटी हो गई है और बैटर ज़्यादा हो गया है मेरे पास, लेकिन इसको घुमाते हैं तो ये ठीक हो जाएगा घुमाते घुमाते।
ये देखिए इसके लम्स अब धीरे धीरे जा रहे हैं। इसको हम तेजी से हिलाएंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे इसमें। ये देखिए अभी अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें अब कोई भी लम्स नहीं है। मैंने इसको खूब हिलाया, अब ये धीरे धीरे पकने लगा है। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है और अब इसमें लम्स भी नहीं है, काफ़ी अच्छा पक गया है ये। पकते पकते ये कम भी हो गया है। ये देखिए अब इसके लिए हम तैयार करेंगे तड़का। तड़के के लिए लिया है मैंने थोड़ा ऑयल और थोड़ा मैंने मिर्च और थोड़ा लहसुन लिया है। बिना तड़के के तो मज़ा ही नहीं है। तड़का अगर लगाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट और हो जाएंगे चने के डुबके, उनमें स्वाद और बढ़ जाएगा। अब लगाते हैं इसमें तड़का। डुबके में ये लगाया हमने तड़का, ये देखिए इसका टेस्ट और ज़्यादा यमी लगता है तड़के के बाद। ये देखिए हमारे चने के डुबके रेडी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।